सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन वाले उस्ताद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एमडी कैट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि मेडिकल कैडेट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और मुकम्मल डिटेल्स मेडिकल कैडेट की पिछली वीडियो में आपसे शेयर की गई थी और इस वीडियो में आपको मुकम्मल रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे ताकि आप फॉर्म में कोई गलती ना करें। अगर आप इस फॉर्म में गलती करते हैं और बाद में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, तो ये फॉर्म आपने बहुत केयरफुली फिल करना होता है। और साथ साथ आपको बताएंगे जो कॉमन मिस्टेक्स पिछले ईयर्स में स्टूडेंट्स करते रहे हैं तो वो आपने बिल्कुल नहीं करनी, और ये लास्ट वीडियो देख के फिर आराम स्कूल से आप फॉर्म फिल कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो डिटेल्स की नहीं देखी मेडिकल कैडेट की मुकम्मल डिटेल्स कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, वो आप इस चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एक स्टूडेंट्स को गलत फहमी होती है कि आर्मी टेस्ट में अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे आपकी जल्दी डेट आएगी, लेट अप्लाई करेंगे लेट डेट आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट ने जल्दी अप्लाई किया था उनकी लास्ट में डेट आ गई, कुछ स्टूडेंट ने लास्ट में जाकर अप्लाई किया था तो उनकी डेट जल्दी आ गई, और कुछ स्टूडेंट्स ने मिड में अप्लाई किया था मिड वालों की कुछ की जल्दी आ गई थी बिल्कुल स्टार्ट में और कुछ की थोड़ी लेट आ गई थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि किस वक्त आप अप्लाई करें, तो मोस्टली जो परफेक्ट टाइम होता है कि आप जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट के बिटवीन अप्लाई कर लें तो चांसेस होते हैं कि आपको थोड़ी लेट डेट मिले। लेकिन इस साल इतना मसला नहीं है, पिछले ईयर में 1 मंथ टेस्ट चलता था, इस बार 2 अगस्त से ऑलमोस्ट 12 अगस्त तक चल रहा है 10 डेज, तो इतना फर्क नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डेज का जो भी आपको डेट मिल जाए। फॉर्म फिलिंग की तरफ चलने से पहले इसमें आपको बता दें काफ़ी एक लेंथी प्रोसीजर होता है, इसमें कंप्यूटर टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, फाइनल मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग लेटर। तो इसके बारे में आपको मुकम्मल प्रिपेयर किया जाएगा हमारे कोर्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में रजिस्टर किए थे और उनका फीडबैक भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा था, और कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक मैसेजेस आप देख लें। 24/7 हम उनसे कोई भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, फुल सेटिस्फाई है, सारे स्टूडेंट बहुत सेटिस्फाई। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको उसका अजर दे सर। मैं कह रहा हूँ यही अगर सर हम अकेडमीज़ वगैरह में तैयारी करते इसी तरीके की तो सर कम अज़ कम हमसे 10,000 रुपये हमसे लेते। बहरहाल ये फीस तो नहीं थी, ये तो बस नहीं थी, फीसें जो हैं वो तो अकेडमी वाले लेते हैं, 20,000 लेते हैं। तो जो मैंने इनिशियल टेस्ट दिए उसमें बहुत बहुत शुक्र है उमर साहब का, जिन्होंने इतनी अच्छी चीज़ों से प्रोवाइड किए, इतनी अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे जो अच्छी बात है या आप कह लें कि सबसे अहम जो इसका करैक्टर है इस व्हाट्सएप ग्रुप का, सर उमर फ़ारूक के जो अंडर है, उसका ये है कि आपको विद इन सेकेंड्स आपके क्यूरी के आपको आंसर्स मिलते हैं और आपको मटीरियल प्रोवाइड किया जाता है। बहुत से क्वेश्चंस, आई शुड रिपीट, 75% जो क्वेश्चंस थे वो सर उमर फ़ारूक के ही दिए हुए डाटा में से आए थे। दिस वन थिंग आई जस्ट वांट टू से कि सर उमर ग्रुप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ग्रुप। इस ग्रुप की फीस भी नॉर्मल है, स्टडी वाइज भी ग्रुप बहुत अच्छा है। इस ग्रुप में सर हर टेस्ट से पहले जो उनसे हमें गाइड करते हैं, और सर ने हमें कुछ MCQs भी सेंड किए थे कि इनकी प्रिपरेशन करके जाना, एंड लिटरली 90% ऑफ द MCQs जो उनसे इसमें मौजूद थे। कोई भी एकेडमी आपको मेडिकल कैडेट की तैयारी नहीं करवाएगी, जस्ट एमडी कैट की तैयारी करवाएगी, और इस हमारे कोर्स में आपको कंप्यूटर टेस्ट से लेके टिल ज्वाइनिंग लेटर आपको मुकम्मल प्रिपेयर किया जाएगा। और ये हमारी 80% डिस्काउंटेड फी है, 8,000 फी है, लेकिन हमने 80% डिस्काउंट दिया स्टूडेंट्स को, और इन जस्ट 2,000 रुपीज़ रजिस्टर कर सकते हैं। और ये फ़ी कोई मंथली फ़ी नहीं है, ये 3 मंथ्स 4 मंथ ये सेशन चलता है, कंप्यूटर टेस्ट के बाद इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, और ये जस्ट 2,000 रुपीज़ में ये 3-4 मंथ्स जब तक आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाती आपको मुकम्मल प्रिपेयर किया जाएगा हर स्टेज के लिए। तो ये व्हाट्सअप नंबर शो होगा, इस पर मैसेज करके आप इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। अब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि गूगल पर अगर आप ज्वाइन पाक आर्मी सर्च करेंगे तो टॉप पर ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आती और आप किसी अनऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर आपको अप्लाई का फॉर्म मिलता और फिर आप परेशान होते हैं, यहाँ पर तो कोई रजिस्ट्रेशन लिंक ही नहीं है। तो आपने ऊपर ही टॉप पे joinpakarmy.gov.pk लिखना है, जिससे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ आपने अप्लाई करने आ जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेडिकल कैडेट, यहाँ पे लास्ट डेट 27 जुलाई दी गई है, और यहाँ पे पिछला सबसे मैसेज कोर्स डिटेल्स क्लिक हेयर, इस पिछली वीडियो में ये कोर्स डिटेल्स आपसे शेयर की गई थी, जिन्होंने नहीं देखी वो आप
प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और फॉर एग्जाम स्लिप क्लिक हेयर, जब आप रजिस्टर कर लेंगे उससे 2-3 दिन बाद आपने एग्जाम स्लिप खोलने के लिए यहाँ क्लिक करना नीचे। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर किया, उसके बाद ये फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। तो मैंने ये सारा फॉर्म फिल कर लिया ताकि मैं थोड़ी शॉर्ट सी वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन कर सकूँ, फिल करते हुए फिर वीडियो लेंथी हो जानी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे है कोर्स, तो ये इसमें लास्ट ईयर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलतियां करते रहे हैं कि यहाँ से आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर कोई सीएमएच सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें, एक आर्मी मेडिकल कॉलेज कराची वगैरह, तो जिससे उनका वहीं एडमिशन हो पाता है। अगर वहाँ नहीं हुआ तो उनका किसी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। तो यहाँ पर परफेक्ट जो है, जो भी आपकी चॉइस है, सबसे पहले आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के लिए कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद आपको फॉर्म में चॉइसिस वगैरह भी दी जाएंगी नेक्स्ट जब आप कंप्यूटर टेस्ट पास कर। तो यहाँ पे जो परफेक्ट ऑप्शन है जिसके लिए आपने अप्लाई करना है वो MBBS ऑल मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना है कि जहाँ भी आपको सीट अवेलेबल हो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए। ये बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना बाद में, काफ़ी स्टूडेंट्स ने वीडियो पिछले साल में नहीं देखी थी और फिर पूछते रहे कि सब चेंज अब कैसे होगा, तो आप गलती करेंगे फिर पूछ लीजिएगा चेंज भी कैसे होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर ये आपने सेलेक्ट करना है, आपके करीब भी जोन सा भी यहाँ से आर्मी सिलेक्शन सेंटर है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने नेम लिखना है, कोई भी फॉर्म आप अपनी लाइफ में शामिल कर लें कि आपने कैपिटल लेटर्स में फिल करना होता है, और इस सारे फॉर्म को भी आप कैपिटल लेटर में फिल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम स्पेस दे के इस पैटर्न पर, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर CNS की ऑप्शन दी गई और नीचे पैटर्न दिया गया किस पैटर्न पर आपने लिखना है, मतलब डैशेस के साथ आपने CNS लिखना है अपना। उसके बाद आपने दोबारा अपना लिखना है, वेरीफाई करना है कि आपने ठीक लिखा है। नेक्स्ट फादर का उसी तरह नेम लिख लें, और सॉरी यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा, तो आपने यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद नेक्स्ट फादर का CNS आपने लिखने ना डैशेस के साथ उसी पैटर्न पे। उसके बाद फादर की आपने अगर आपके फादर आर्मी में है तो फिर आपके पास ये सारा फॉर्म है, इसमें आपने रैंक वगैरह लिखना है, इनके साथ स्टार नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आप इन्हें खाली भी छोड़ेंगे तो फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी आप ऊपर देख सकते हैं बेफॉर्म वगैरह के साथ स्टार होगा, जिनके साथ स्टार है वो उन्हें आप खाली नहीं छोड़ सकते, वो फिर फॉर्म फिल नहीं होगा। तो ये आप खाली भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आपके फादर जो है अगर आर्मी में नहीं है तो नेक्स्ट ये सारा आप खाली छोड़ दें, आपके फादर अगर सिविल हैं तो नेक्स्ट। यहाँ पे फादर इनकम, यहाँ पे आपने कोई सोचने नहीं बैठ जाना कि मंथली इनकम सेलेक्ट करनी है, अंदाजे से कर देनी है कोई भी, यहाँ पे इससे आपके वेरिफिकेशन नहीं की जाए कि आपने गलत लिखी है सही लिखी है, अंदाजे से अप्रॉक्सीमेट जो आपकी मंथली फादर की इनकम है वो लिख दें। और उसके बाद यहाँ पे आपने मदर नेम लिखना है, और उसके बाद CNIC उसी पैटर्न पर डैशेस के साथ, और इसी तरह मदर की प्रोफेशन कैटेगरी अगर आर्मी वगैरह में है या गवर्नमेंट जॉब है, ऊपर फादर में मैंने बताया नहीं था, अगर आप गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लें, और अगर आर्मी है तो आप ये सारा फॉर्म भी फिल करेंगे। और इसी तरह मदर जो है आपकी हाउसवाइफ हैं या कोई आप जॉब करिए गवर्नमेंट जॉब वगैरह तो, या आर्मी में है तो ये डिटेल्स भी आप फिल कर देंगे। इसके बाद मदर की इनकम अगर हाउसवाइफ है नॉन, अगर कोई अर्न कर रही है तो उनकी भी मंथली आप इनकम लिखते अंदाजन। उसके बाद फादर की एजुकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद मदर की एजुकेशन, और इसी तरह अब सिबलिंग्स आपके बहन भाई, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अपने आप को शामिल करना है, यानी सिबलिंग्स में आपने अपने अलावा आपके कितने बहन भाई हैं वो लिखने हैं। जैसे अगर मैंने लिखना है अगर मेरे सिर्फ दो भाई हैं मेरे अलावा, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा सिबलिंग्स में, आप अपने अलावा आपने लिखना है। नेक्स्ट फैमिली इनकम अंदाजन आप एक्सपेक्टेड लिख लें, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे डोमिसल है, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसल है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद डोमिसल जहाँ का, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जोन्स है, और उसके डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे आपका प्रोविंस पंजाब, और पोस्टल कोड, जिनको पोस्टल कोड नहीं पता वो आप गूगल पे लिखेंगे अपने सिटी का नेम, पोस्टल कोड वो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा, वहाँ से देख के आप पोस्टल कोड लिख लें। नेक्स्ट यहाँ पे तहसील, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे आप रह रहे हैं तहसील कौन सी है, और नेक्स्ट एड्रेस कंप्लीट आप लिख लें, जिस भी पैटर्न पे विलेज है, स्ट्रीट है, आगे टाउन है, जिस तरह भी आप एड्रेस लिख लीजिए। उसी तरह अगर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख लीजिए, अगर सेम है तो सेम कॉपी कर दीजिए।
और नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर सिर्फ इसमें मेल ही अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड होना इसके लिए लाजमी है, यही आ रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। और नेक्स्ट यहाँ पे सेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, सुन्नी या शिया, और इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, इसके साथ स्टार नहीं है। इसी तरह नॉन मुस्लिम, इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं जिनके साथ स्टार नहीं है। उसके साथ बाद आपने कास्ट सेलेक्ट करनी है, यहाँ से लिखनी है और फ़ोन नंबर अपना लिख लें। और फ़ोन नंबर लिखने के बाद ईमेल और फ्रेश कैंडिडेट, इसमें रिपीटर नहीं होते क्योंकि इसमें ISSB नहीं होता, तो रिपीटर ज़्यादा ISSB वगैरह को कहते हैं। नेक्स्ट आपने एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपकी मैट्रिक डिटेल्स, यहाँ पे मैट्रिक साइंस या ओ लेवल आपने की है, और उसके बाद रिजल्ट इसका कंप्लीटेड ही होगा। रोल नंबर लिखने, पासिंग ईयर किस ईयर में आपने पास किया, और मार्क्स ऑब्टेंड और टोटल मार्क्स, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी परसेंटेज और किस स्कूल से किया वो आप लिख दें। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड आपने मैटर का सिलेक्ट कर लेना है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि इंटरमीडिएट, यहाँ पे आप FSC प्री मेडिकल या जो भी आपका सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे अगर आप प्रमोटेड हैं तो आपने होप सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लें, और बाकी जो है सारा फिल कर लेंगे, उनका इशू नहीं है। हो प्रमोटेड वालों को इशू आएगा उसके लिए मैं आप बता रहा हूँ। और रोल नंबर आपका अगर आया हुआ है तो लिख दें, अगर नहीं आया तो रहने दें। और होप सर्टिफिकेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपने। पासिंग ईयर आप 2021 में पास कर रहे होंगे, FSC होप जो है प्रमोट हुए हैं अगर, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स लिख लें और मार्क्स परसेंटेज, और किस कॉलेज से अभी आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये अब खाली छोड़ सकते हैं यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड वगैरह, क्योंकि अभी आपके मार्क्स नहीं आए। और फॉर्म फिल हो जाएगा आप अगर आपने होप सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया हुआ। उसके बाद ये नीचे कोड दिया गया है, ये आप कोड लिख लें, और यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इसे भी टिक कर लें। नेक्स्ट ये सारा फॉर्म एक बार दोबारा से चेक कर लें। इसमें मेन जो है आपका नेम, CNIC और डेट ऑफ बर्थ और फादर का CNIC, ये तीन चार चीज़ें, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी भी एजुकेशन डिटेल, स्कूल इंस्टीट्यूट या मार्क्स भी गलती लिखते हैं, इतना इशू नहीं होता उसका। बेसिक चीज़ें आपकी यहाँ पे मैटर करी होती हैं, ठीक हो। बाकी आपने बाद में जाके फिर दोबारा और ज़्यादा फॉर्म भी फिल करने हो। नेक्स्ट सारा फॉर्म चेक करने के बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। कोई चीज़ डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये चीज़ आपकी मिसिंग है, डेट ऑफ बर्थ या प्रोफेशन फादर का कुछ भी होगा, तो वो यहाँ पे वो आप दोबारा फिल करके फिर रजिस्टर कर लीजिए। अब यहाँ पे ये मैंने होप सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया है, ये कह रहे हैं कि आपने इंटरमीडिएट मार्क्स जो है ऑब्टेन नहीं लिखे। और पिछली बार PMA में भी ये मसला आ रहा था, स्टूडेंट से रजिस्टर नहीं था हो रहा, उनका सिस्टम ऐसा है कि वो प्रोसीड ऑन नहीं करने देता। तो यहाँ पे आपने जो होप सर्टिफिकेट बनवाया जिस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो आप एक्सपेक्टेड है जितने मार्क्स, वो आप यहाँ पे लिख लें। और इसका कोई मसला नहीं है कि आपके उतने आए या नहीं, बाद में आपका रिजल्ट आएगा वो आप भेज देंगे, उसकी बेस पर मेरिट बनेगा। ये जस्ट एक कंप्यूटर टेस्ट, उनका अपना टेस्ट देने के लिए फॉर्म है, तो आप ये जो है मार्क्स यहाँ पे लिखते हैं, और परसेंटेज में जो होप सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। और फिर यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें तो ये सामने आप देख सकते हैं कि अप्लाई हो चुका है, एप्लीकेंट ID यहाँ पे आ गई, इसे बेशक नोट भी कर लें। अब आपने 2-3 दिन वेट करना है, ये सारी जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट होगी, वेरीफाई होगी, उसके बाद आपकी यहाँ पे एग्जाम स्लिप क्लिक हियर, ये इस पर आप CNIC फादर का CNIC और उसके बाद यहाँ पे कोड वगैरह एंटर करके अपनी आप एग्जाम स्लिप खोल सकेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मेडिकल कैडेट के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे होंगे। और अगर आप हमारे मेडिकल कैडेट कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, इस पे मैसेज करके आप 80% डिस्काउंट के साथ इन जस्ट 2000 रुपीज़ रजिस्टर कर सकते हैं। और हमारा बैच 1 में बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, और बहुत जल्द बैच 1 स्टार्ट होने वाला है। और अगर आपने ज्वाइन करना है, रजिस्टर करना है, तो एज सून एज पॉसिबल आप रजिस्टर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।